हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो ये है IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग करेंगे या फिर आप कह लीजिए अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे अब तक तो हमारे चैनल पे इस क्रेडिट कार्ड का कोई वीडियो मौजूद नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस क्रेडिट कार्ड का एक वीडियो भी लेकर आ जाऊँ। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, तो प्लीज़ आप वेट करिएगा। तो आपको जो है IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें कि इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स आपको बताए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जाएगा, इसके अलावा फीस और चार्जेस के बारे में बताया जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग ही करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग ही करने वाले हैं, और देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड जो है दिखने में कैसा होता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, तो जिसका मतलब ये होता है कि इस क्रेडिट कार्ड को हम UPI के साथ में लिंक कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको रेलवे लाउंज भी मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री 4 रेलवे लाउंज मिलता है पर ईयर, सालाना 4, मतलब कि आपको पर क्वार्टर यानी हर तिमाही में एक बार कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस मिलता है, रेलवे लाउंज विजिट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। और मेरा जो मेन पर्पस था इस क्रेडिट कार्ड को लेने का, वो रेलवे लॉन्च एक्सेस ही था, कि मैं इस क्रेडिट कार्ड से कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस जो है ले सकूं, विजिट कर सकूं रेलवे के लॉन्च में। और वैसे तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसके लिए IRCTC और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर हम जो है रेलवे टिकट परचेस के लिए करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी दूसरी जगहों पे भी इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो रेलवे टिकट परचेस होगा इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से, उस पर हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें से स्लीपर क्लास को एक्सक्लूड किया गया है, AC का अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के। वैसे एक बात मैं बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा या फिर ज़्यादा अच्छा होगा जो रेलवे से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मतलब जिनका जो है ट्रेन से आना जाना लगा रहता है, तो उन लोगों के लिए ये क्रेडिट कार्ड ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे लोग भी ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बट जिनका ज़्यादा रेलवे से आना जाना लगा रहता है, ट्रेन से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड खास करके बनाया गया है। तो अब आइए सीधा अनपैकिंग की तरफ बढ़ते हैं, अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है इसका एनवलप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके एनवलप से ही पता लग रहा है कि कोई ट्रैवल से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है। और यहाँ पे IRCTC का लोगो भी बना हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। तो अब आइए फटाफट से इसको अनपैक करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पे हमारे एड्रेस की डिटेल्स होती हैं जो कि मैंने छुपा रखी है। और यहाँ पे बताया गया है कि इस पैकेज का अगर सील ब्रोकन है या फिर टेम्प्टेड है तो आप इसको एक्सेप्ट ना करें। तो इसको आप देख लीजिएगा कहीं पहले से इसको फाड़ा ना गया हो, पहले से कहीं कार्ड निकाला ना गया हो, तो अगर ऐसा हो तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें या फिर डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करें। तो इस पैक के अंदर से, ये प्लास्टिक का पैक है, इस पैक के अंदर से हमें ये एनवलप देखने को मिलता है। अब इसके बाद ये है एनवलप, तो आइए अब इसको अनपैक करते हैं और अपना कार्ड निकाल करके सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है कि इसको जल्दी से फाड़ पाना बहुत मुश्किल है, तो इसको फाड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आइए अब जो है फटाफट से इसके अंदर से जो भी माल मटेरियल है, जो भी कंटेंट्स हैं, वो सारे बाहर निकाल लेते हैं और इस पैक को पूरी तरह से खाली कर लेते हैं। अभी भी कुछ है क्या? शायद इसमें कुछ नहीं बचा है, ये कुछ इसमें लगा हुआ है पेपर टाइप का, ये इसी में लग रहा है कि चिपका हुआ है। सबसे पहले हमें ये एक पेपर देखने को मिलता है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप इसका पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने BOB फाइनेंशियल पे रजिस्टर कर रखा है अपने क्रेडिट कार्ड को पहले से ही, तो आप बहुत ही आसानी से इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को BOB फाइनेंशियल पर रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिलता है ये एक पेपर, और अभी हम आपको क्रेडिट कार्ड भी दिखाएंगे। पहले क्रेडिट कार्ड को हम साइड कर लेते हैं और आपको इस पेपर के बारे में बता देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं BOB फाइनेंशियल पे, पूरा प्रोसेस बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को BOB फाइनेंशियल पे रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन मैनेज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। और ये एक वेलकम लेटर होता है और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट बताई गई होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं 65,000।
तो 65,000 इसकी क्रेडिट लिमिट है और कैश विड्रॉल लिमिट है 26,000, 26,000 रुपये कैश विड्रॉल लिमिट है। अब ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला, इसका एक अलग से आपको वीडियो बना करके बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला और आप भी ये क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये दूसरा पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो बताए गए होते हैं। इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके फ़ीस और चार्जेस के बारे में भी बताया गया होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस क्रेडिट कार्ड की कितनी फ़ी और कितना चार्ज है। तो इस क्रेडिट कार्ड का भी होगा, तो इस क्रेडिट कार्ड की मैं आपको ज्वाइनिंग फ़ी बता दे रहा हूँ जिसको फर्स्ट ईयर फ़ी भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC 500 रुपये प्लस GST, और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है जो इसकी सेकेंड ईयर फ़ी है या फिर जिसको हम एनुअल फ़ी या फिर एनुअल चार्ज भी कहते हैं, तो IRCTC यहाँ पे बताया गया है 350 रुपये प्लस GST। तो इसकी जो एनुअल फ़ी होगी वो 350 रुपये प्लस GST होगी, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इसकी फ़ी आएगी जो फर्स्ट ईयर फ़ी होती है वो 500 रुपये प्लस GST होगी। इसके अलावा ये भी एक पेपर दिया गया है, ये किसका है आइए देखते हैं। और ये लॉयल्टी अकाउंट के बारे में बताया गया है, तो लॉयल्टी अकाउंट आपको एक तरह से क्रिएट करके अपने IRCTC अकाउंट के साथ में उसको लिंक करना होता है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस बताया गया है, तो इसमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन तो मेरे ख्याल से इधर होगा, ये रहा स्टेप वन। सबसे पहले तो IRCTC पे लॉगिन करना होगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद कैसे जो है लॉयल्टी अकाउंट को ऐड करना है और लिंक करना है अपने IRCTC अकाउंट के साथ में, वो सब बताया गया है। तो लॉयल्टी नंबर आपके क्रेडिट कार्ड के फ्रंट पे ही आपके नेम के नीचे प्रिंटेड रहता है जो कि 11 डिजिट का होता है, यहाँ पे बताया गया है। उसकी ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिंक करते टाइम। और ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए पैम्फलेट है, तो इसमें सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं और क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस भी बताए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का ऐप भी आ गया है BOB कार्ड नाम से, तो आप स्कैन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको UPI के साथ में भी लिंक कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। इतने सारे पेपर्स हैं इसके साथ में, तो इनको हम साइड कर देते हैं। और ये एक पेपर है, इसमें बताया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड, हम कैसे जो है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कैसे इस क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है और उसके फ़ायदे बताए गए हैं। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिए गए हैं। और ये एक पेपर है बड़ा सा, इसमें जो है इस क्रेडिट कार्ड के जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे वेलकम बेनिफिट के तौर पर 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए एक सिंगल ट्रांजेक्शन करना होगा 1,000 रुपये का, वो भी 45 दिनों के अंदर, कार्ड इशू होने के 45 दिनों के अंदर करना होगा, और उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बहरहाल जब हम इस क्रेडिट कार्ड का वीडियो बनाएंगे तो उसमें सब कुछ कवर कर देंगे, आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में सब कुछ बता देंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ अनपैकिंग ही कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको हम साइड कर दे रहे हैं, इतने ज़्यादा पेपर्स उसमें आ गए हैं। और ये आपको एक जो है छोटा सा पाउच मिलता है, पेपर पाउच या फिर छोटा सा कैरी बैग, जिसमें आप अपना ये क्रेडिट कार्ड जो है रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इसको। तो अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पे, फाइनली अब आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड आपको दिखाते हैं। तो ये रहा क्रेडिट कार्ड, दिखने में इसका लुक आप बताइए कि कैसा दिख रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा इसका लुक लगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं रुपे नेटवर्क के साथ में आता है ये क्रेडिट कार्ड, और ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग है और IRCTC का भी लोगो है, तो दिखने में काफ़ी प्यारा है क्रेडिट कार्ड, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, बस ओके है, जैसा होना चाहिए है क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा बैक लुक आप इसका देख सकते हैं, जो नंबर्स वगैरह रहते हैं वो सारे इसके पीछे ही रहते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के नंबर्स होते हैं और एक्सपायरी डेट, CVV, सब कुछ सारी डिटेल्स पीछे रहती है। और फ्रंट में बस आपका नेम रहता है और आपके नेम के नीचे लॉयल्टी नंबर रहता है, तो उसकी वजह से मुझे जो है अपने नेम को भी छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि जस्ट उसके नीचे लॉयल्टी नंबर भी है, तो लॉयल्टी नंबर भी मुझे जो है छुपाना पड़ रहा है। तो आप देख करके बताइए कि क्रेडिट कार्ड दिखने में कैसा है, लुक वाइज कैसा है ये,
तो बाकी तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।